पुलिस थाना सांगढ़ द्वारा भीमसर में सोलर कंपनी की आवंटित भूमि से रास्ता रोकने, धमकाने, अवैध वसूली और मारपीट करने वाले मुलजिम को किया गया गिरफ्तार। पुलिस थाना सांगढ़ द्वारा ग्राम भीमसर में सोलर कंपनी को आवंटित भूमि में से रास्ता रोकने, धमकाने, अवैध वसूली व मारपीट करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत अनुसंधान जारी। राजेश कुमार ओनी थाना अधिकारी पुलिस थाना सांगढ़ ने बताया कि दिनांक 18 मई 2024 को प्रार्थी भूपत सिंह निवासी सांकड़ा ने पुलिस थाना सांकड़ पर रिपोर्ट पेश की। ग्राम भीमसर तहसील फतेहगढ़ में सोलर कंपनी को आवंटित भूमि से रास्ता रोकने, धमकाने, अवैध वसूली और एक्सट्रोशन हेतु कंपनी के कर्मचारियों का रास्ता रोककर मारपीट करने व अपने परिजनों को कंपनी का नाम देकर आत्महत्या के लिए उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे वगैरह रिपोर्ट व प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राजेश कुमार उप निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस द्वारा थाना सांगढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर टीम द्वारा मुलजिम की सरगर्मी से तलाश कर आसूचना संकलन कर मुलजिम हरि सिंह पुत्र बाग सिंह जाति राजपूत निवासी मुलाना ने दस्तायब कर बाद पूछताछ गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ब्लैकमेलर प्रवृत्ति का है, जो आसपास के एरिया में अवैध वसूली हेतु विभिन्न प्रोजेक्टों में कर्मचारियों को डराता धमकाता है और आदतन शिकायती है, जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और अधिकारियों की झूठी शिकायतें करता है। मुलजिम से विस्तृत पूछताछ व अनुसंधान जारी है। प्रकरण में शेष शरीक मुलजिमान की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम हरि सिंह पुत्र बाग सिंह जाति राजपूत निवासी मुलाना पुलिस थाना सांगढ़ जिला जैसलमेर।